Guys, what is up and welcome back to your channel Escape with VJ. I'm Vipudi. And I'm Jesu. So guys, यहाँ पे summer आ चुके हैं already and we are enjoying. तो long weekend भी आया हुआ था, चार दिन की छुट्टी थी. सोचा summer को और अच्छे से enjoy करते हैं और कहीं पहाड़ों में चलते हैं यहाँ के और दिखाते हैं कि यहाँ के मनाली और मसूरी कैसे हैं. सो बेसिकली हम लोग जा रहे हैं कैलगरी और फिर कैलगरी के बाद हम जाएंगे बैंफ नेशनल पार्क, जो कि एक बहुत फेमस डेस्टिनेशन है कनाडा में. मतलब कि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस आई गेस. वहाँ पे बहुत अमेजिंग लेक्स हैं, सीनरीज हैं. कनाडा इज फेमस फॉर इट लेक्स और बैंफ में वन ऑफ द बेस्ट लेक्स हैं एंड वी विल बी एक्सप्लोरिंग दैट. तो अभी हम पहुंच गए हैं एयरपोर्ट, हमने अपना चेक इन वगैरह सब कुछ कर लिया है एंड वी आर ऑल सेट टू फ्लाई टू कैलगरी. ऑलमोस्ट अराउंड 4-4.5 घंटे की फ्लाइट है कैलगरी की, फिर वहाँ से 1.5-2 घंटे की कार से ड्राइव है बैफ नेशनल पार्क की. तो ऐसा कुछ प्लान किया है हमने, लेट्स सी कैसा जाता है और क्या 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 इन्जॉय करते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं. सो क्या ऑर्डर कर रही हो तुम? सी द सिस्टम्स आर सो एडवांस हियर, लाइक यू कैन ऑर्डर just through an iPad. It's so cool, right? So I'm just choosing my flight and then I'll order something. The sari options hain, there is an option for salad, pizza, pasta. This is quinoa salad for $12.49 and there are all those beverages options. हम पहुंच गए हैं कैलगरी एयरपोर्ट और यहां से हम 300 नंबर की बस लेके जाने वाले हैं डाउनटाउन. ये आपको मिलेगी गेट नंबर 7 के जस्ट बाहर. सो गाइस, वी हैव मेड इट टू कैलगरी फाइनली आफ्टर 4 आवर्स ऑफ लॉन्ग फ्लाइट. और हमारे पीछे है ये कैलगरी टावर. पूरे कनाडा में हर जगह आपको टावर मिल जाएगा. ऐसे टोरंटो में सीएन टावर है, कैलगरी में कैलगरी टावर है. हम आए हैं डिनर करने एंड यहाँ है हमारा पनीर बटर मसाला, गार्लिक नान एंड लच्छा पराठा एंड दही भल्ले. लेट्स टेक इन. वेरी यम. यम. आई लव इट. दिस पनीर बटर मसाला इज रियली नाइस. हम्म. सीरियसली ये पनीर बटर मसाला बहुत ही यम है और दही भल्ले भी बहुत अच्छा. मैं सीरियसली बहुत टाइम बाद बाहर से रेस्टोरेंट में इस वाले टेस्ट का इतना अच्छा खा रहे हैं हम. Hey guys, so we have checked in our Airbnb. It is gorgeous. I look like shit by the way, just ignore it. But ये बहुत ही gorgeous है. Let me give you a room tour, like the house tour. We have got a full house. Look at this view from here, by the way. It's so pretty. This is the main door, and यहाँ से चलते हैं. यहाँ पे laundry वगैरह है and there is a washroom. I'll show you that in a second. बट ये है डाइनिंग एरिया और ये है किचन. इट्स अ शेयर्ड किचन एंड देयर इज़ एवरीथिंग. फ्रिज है एंड अगर कुछ हमें कुक करना हुआ तो माइक्रोवेव वगैरह सारी चीज़ें हैं, टोस्टर्स वगैरह हैं. इट्स क्वाइट ह्यूज आई मस्ट से. एंड यहाँ से चलते हैं. देयर इज़ अ कॉफ़ी मशीन एज वेल, बट लुक एट दिस क्यूट कप्स. इट्स सो क्यूट. एंड यहाँ पे सब कुछ उन्होंने हमें दिया है कॉफ़ी वॉफ़ी बनाने के लिए, विच इज़ ग्रेट. बट लेट मी शो यू द व्यू फ्रॉम हियर. इट्स गॉर्जियस. आई मीन थोड़ी और रोशनी होगी तो बहुत अच्छा लगेगा, बट इट्स अमेजिंग. दे हैव ऑल्सो गॉट अ बैकयार्ड बट देर इज़ नो एंट्री. खुलता नहीं होगा मे बी, आई एम नॉट श्योर. एंड देन लेट्स टेक यू टू द लिविंग एरिया. So there's a complete room with a living area. Here's my husband enjoying, relaxing. और यहाँ से भी view बहुत अच्छा है. It's really beautiful.
एंड इन्होंने हमें कुछ बुक्स वगैरह दी हुई हैं एंटरटेनमेंट के लिए. बट द पार्ट आई लाइक द मोस्ट इज देर इज़ अ कॉफ़ी स्टेशन एंड इज कॉफ़ी कॉफ़ी मेड सम चॉकलेट्स. इट्स सो क्यूट लिटरली. एंड नाउ फाइनली लेट मी शो यू द बेडरूम. दिस इज द बेडरूम. इट्स सो प्रिटी. लव दिस पेंडेंट चैंडलियर एंड टॉवल्स दिए हैं एंड कितने क्यूट तरीके से रखे हैं. लव इट. सो या दिस इज द बेडरूम. दिस इज द वॉशरूम. एंड जस्ट लुक एट इट. दिस इज सो क्यूट. उन्होंने शैम्पू मॉइस्चराइजर सब कुछ रखा है यहाँ पे. वेरी गुड मॉर्निंग. आज सेकेंड डे है हमारी ट्रिप का टू बैम्फ. सो बेसिकली हम लोग कैलगरी में रुके हैं एंड यहाँ से कैलगरी से एक डेढ़ घंटे का ही रास्ता है बैम्फ का. रीज़न बींग हम कैलगरी में रुकने का ये था क्योंकि एक लॉन्ग वीकेंड था कैनेडा डे पे. चार दिन की छुट्टी थी एंड एवरीथिंग वॉज सुपर एक्सपेंसिव. सारे होटल्स एवरीथिंग जो भी कुछ है. तो इट्स लाइक कि कैलगरी में रुकने पर भी जो हमें होटल अप्रॉक्सीमेटली अराउंड $150-$160 पर डे का मिला है, अगर हम बैम्फ में या कैनमोर में रुकते तो इट वॉज $400-$500 पर नाइट से कम नहीं कुछ भी मिल रहा था. तो एंड टाइम पे ट्रिप बुक करने का यही एक डीमेरिट है. बट दिस इज़ अ गुड ऑप्शन अगर आपको अपनी बजट फ्रेंडली ट्रिप बनानी है तो यू कैन ट्राई स्टेइंग इन कैलगरी रादर देन इन बैम्फ या कैनमोर में. नाउ यहाँ से अभी हम मेट्रो पकड़ के जा रहे हैं डाउनटाउन. वहाँ से हमारा डे ट्रिप हमने एक पैकेज बुक किया हुआ है उसका भी एक और अलग सीन हो गया. पहले हमने कार बुक करी थी, सोचा था कि कार से ड्राइव करके जाएंगे आराम से इन्जॉय करते हुए. बट यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ रूल बना दिया है कि इस बार समर्स में लॉन्ग हॉलीडे भी और समर्स में भी बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं तो आपको बैंफ से आगे आपके पर्सनल व्हीकल्स अलाउड नहीं है. कुछ ऐसा कुछ सिस्टम है. तो मैंने कहा वो भी एक बड़ा पंगा है. फिर वहाँ पे पार्किंग का इशू अलग है. फिर आप गाड़ी आपको अलग पार्क करनी पड़ेगी वहाँ से. फिर एक और ट्रांजिट लेना पड़ेगा. तो उससे बेटर है कि आप कुछ पैकेज ले लो यहाँ से जो आपको यहीं से पिक करेगा और आपको फिर इन दी एंड यहीं पे छोड़ेगा कैलगरी में एंड आपको पूरा का पूरा ट्रिप कवर करेगा. जितनी भी मोरेन लेक है, लेक लुइस है एंड जो बैम्फ सिटी है, यू कैन इन्जॉय पूरा का पूरा टाइम वहाँ पे. सो दिस इज़ द रीज़न. वो रीज़नेबल भी है. रीज़नेबल क्या, थिंग्स आर एक्सपेंसिव अगर आप वीकेंड पे कुछ भी जाते हो यहाँ पे तो. बट बेटर है हाँ. सो दैट कि आपको एक मेंटल पीस रहेगा, ये वाली टेंशन नहीं रहेगी कि है कुछ भी, मतलब इन द सेंस पार्किंग का इशू या कुछ क्राउड का इशू, इसमें एवरीथिंग इज़ कवर्ड. सो लेट्स सी. वेट कर रहे हैं अभी मेट्रो का आएगी एंड विल गो एंड शो यू कि कैसा है बैम्फ. तो यहाँ पे टिकट परचेज करना है सुपर सिंपल. यहाँ पे इतने सारे कियोस्क बने हुए हैं एंड यू जस्ट नीड टू लाइक टच इट. इसमें ऑप्शंस हैं एडल्ट सिंगल डे पास, यूथ सिंगल डे पास, वीकेंड बुक डे पास. मैं क्लिप पास से दिखा देती हूँ. व्हाटएवर यू नीड एंड देन जस्ट चूज मल्टीपल कस्टमर्स. बैक मल्टीपल कस्टमर. वी नीड टू टिकट्स, टू सिंगल एडल्ट्स. 360 का एक है तो 720 का. Check out and pay. And you can pay via coin. Tap it. Tap on so. और यहाँ पे आ जाएगी आपकी टिकट. So we have reached hotel lobby, waiting for our tour to start. Enjoying free Starbucks. We have boarded the bus. All excited. Super excited. बैम्फ एंड लेक लुइस. ये पीछे है हमारी बस एंड बस पूरी भरी हुई थी. बहुत सारी बसेस आई हैं एक्चुअली बिकॉज लेक मोरेन तक आप अपनी पर्सनल कार्स नहीं लेके जा सकते हो एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर प्रेफरिंग टू टेक बस और रोम ट्रांजिट शटल, ये सारी चीज़ें. बट अगर आप अपनी कार से आ रहे हो या कार रेंट करके आ रहे हो, आप कार रेंट कर सकते हो फ्रॉम टूरो TURO. एंड जहाँ से भी आप आ रहे हो कैलगरी कैनमोर, आप यहाँ पे पार्क कर सकते हो
पार्किंग्स यूजली फुल हो जाती हैं, सो यू कैन लाइक पार्क बैंफ डाउनटाउन में और वहाँ से आप रोम शटल लेके यहाँ तक आ सकते हो. सो वी हैव रीच्ड लेक लुइस, चलते हैं देखते हैं. ऑल्सो डू रिमेम्बर बैंफ नेशनल पार्क आपको एंटर करने के लिए भी आपको पे करना पड़ता है. देर आर सम चार्जेस विच यू हैव टू पे. तो जब आप एंटर करोगे तो देर इज़ लाइक अ होल क्यू और वहाँ पे आप पे करके अंदर आ जाओ. सो लेट्स गेट टू लेक लुइस. सामने दिख रही है और सामने भीड़ भी दिख रही है. सो देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल देयर. यू कैन सी द रियलिटी बिहाइंड मी. इट्स सो क्राउडेड. ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ से कोई फोटोज वोटोज या वीडियोज तो आ जाए. इट्स वेरी क्राउडेड दो. दिस इज द गॉर्जियस लेक लुइस एंड लिटरली ये बहुत ही ब्यूटीफुल है. Literally amazing. Crystal blue. Yeah. Just look at crystal blue water, mountains. It's really gorgeous. लेक लुइस इज ओवर. बहुत मजा आया. हाउ अबाउट यू? लव्ड इट टोटली. मतलब इट्स ब्यूटीफुल. तसल्ली से आपके पास 1.5-2 घंटे होते हैं टाइम, आप आराम से इंजॉय कर सकते हो. एंड रेस्टोरेंट भी है वहाँ, एक फेयर अमाउंट होटल है उसमें रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ कुछ खाना है वहाँ पे कुछ खा सकते हो. उसके अलावा आप उससे भी एक बहुत सुंदर लेक है जिसका नाम है मोरेन लेक. सो अभी हम वहाँ जा रहे हैं. यस, तब हम जा रहे हैं अपनी बस की तरफ और फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टॉप व्हिच इज मोरेन लेक. सो लेट्स गो. तो अभी हम लोग आ चुके हैं मोरेन लेक पर एंड अभी हमारे गाइड ने बताया है यहाँ पे एक छोटा सा ट्रैक है 10 मिनट का और वहाँ से बहुत ही अमेजिंग व्यू आता है इस लेक. ये उससे भी ज़्यादा सुंदर लेक है लेक लुइस है. तो अभी हम ट्रैक पे ही जा रहे हैं. लेट्स सी कैसा व्यू आएगा वहाँ से. आई विल शो यू अराउंड एज वेल. ट्रैक करके आए थे. दिस इज़ द ट्रेल. ऊपर आने में तो हालत ख़राब हो गई थी बट नीचे जाने में ठीक है. सो वी केम ऑल द वे फ्रॉम देयर टिल हियर. ओह माय गॉड. Look at the water guys, कितना ज़्यादा क्लियर है और ये कलर, इट्स सो प्रिटी. सो मोरेन लेक के लिए आप ऊपर ट्रैक करके भी जा सकते हो या नीचे से भी देख सकते हो, बट ऊपर से ऑनेस्टली द व्यू इज़ अमेजिंग.
तो मेक श्योर कि थोड़ा सा 10 मिनट का ट्रैक है वो करके जाना और ऊपर से देखना द कलर ऑफ द लेक इज ब्यूटिफुल फ्रॉम अप देयर। सो गाइज अब हम आ गए हैं ब्रिटिश कोलंबिया में और ये है योहो नेशनल पार्क। सो यस दिस इज ऑल्सो कर्ड इन आर डे ट्रिप विच इज़ अमेजिंग। तो अब चलते हैं, यहाँ पे हम आए हैं लेक एमरल्ड में एंड लेक एमरल्ड का कलर इज ऑलमोस्ट ग्रीन, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड लेक एमरल्ड। एमरल्ड लेक, सो अब इसके बाद हम जा रहे हैं, एक नेचुरल ब्रिज है वो एक्सप्लोर करने। तो बेसिकली क्या है, हर लेक की एक अलग इंडिविजुअलिटी है, सब में पानी बहुत क्रिस्टल क्लियर है, किसी में सी ग्रीन दिखता है, किसी में ब्लू कलर का दिखता है, वही एक डिफरेंट सी चीज़ है। तो जितनी भी लेक हैं सब लेक का अपना अपना अलग अलग फ़न है देखने का। सो If you are planning, so visit all these lakes, 3-4 lakes, जो भी हमने दिखाई हैं इस vlog में, and फिर आपको पता चलेगा कि how amazing Moraine Lake is from us. So this is the artificial bridge, and we are walking on it. और हमारे guide ने हमें बताया है कि ये जो river का जो पानी है, ये direct जाता है Pacific Ocean में. But how beautiful is this? Like the view is gorgeous from here. So this is the natural bridge. But यहाँ पे जाना allowed नहीं है, तो इन्होंने ये artificial bridge बनाया है जिस पे you can walk. होटल एयरबीएनबी में वापस आफ्टर अ लॉन्ग हेक्टिक डे। ट्रिप डे ट्रिप बहुत अमेजिंग था। चार पांच स्पॉट्स लाइक जितने भी लीजिए चार पांच फेमस लेक्स थी वो सब हमने देखी, एक नेचुरल ब्रिज भी देखा, एंड इट वाज रियली वर्थ इट। लाइक अगर आपको एक हैसल फ्री ट्रिप चाहिए जिसमें आपको पार्किंग की कोई टेंशन नहीं लेनी पड़े, और लाइक आज हमने बहुत रियलाइज किया, लॉन्ग वीकेंड था, पार्किंग का बहुत इशू था यहाँ पे, मतलब एक्सेप्ट Moraine Lake जहाँ पे प्राइवेट व्हीकल अलाउड ही नहीं थे, तो उसके अलावा बाकी जितनी भी जगह थी वहाँ पे सब जगह पार्किंग का बहुत इशू था। आपको गाड़ी बहुत पहले ही कहीं पार्क करके फिर बहुत पैदल ट्रैक करके ऑलमोस्ट आपको जाना पड़ता है किसी लेक में, तो इससे बेटर है आप किसी टूर ऑपरेटर के थ्रू जाएंगे तो वो ऑलमोस्ट उसी पॉइंट पर आपको छोड़ेगा, ड्रॉप करेगा, वहीं से आपका पिक होगा, तो बहुत ईजी था। एंड कमिंग टू द प्राइस, सो जो हमने ट्रिप बुक किया था इट कॉस्टेड अस अराउंड $140 प्लस टैक्सेस पर पर्सन, जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड था, मतलब ऑलमोस्ट पिक एंड ड्रॉप और जितने भी आपकी पार्क की फीस थी और जितने भी स्पॉट्स थे सब इंक्लूडेड थे, बट लंच वगैरह कुछ भी इंक्लूडेड नहीं था, वो आपका एडिशनल था, एंड उसके अलावा ट्रैवल सारा इंक्लूडेड। सो विच आई फील इट्स नॉट मच सीइंग अभी जो सिचुएशन है। दूसरा ऑप्शन है अगर आपको और कंफर्ट रहना है, मतलब लाइक इफ़ यू आर ट्रैवलिंग बड़े ग्रुप में चार पांच जने हैं अपनी गाड़ी से जाना है, तो टूरू ऐप के थ्रू आप कार भी बुक कर सकते हो, एंड डू चेक इट कि कार कहाँ तक ले जा सकते हो, पार्किंग अवेलेबिलिटी और वो सब थोड़े से इशू हैं, अदरवाइज आप अपनी कार से भी जा सकते हो, एंड दिस इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन। Everything was amazing and अभी बहुत tired है आके, अब कुछ खाने का मन कर रहा है literally. That's all on this vlog. So hopefully it will help you plan your itinerary अगर आप plan कर रहे हैं Banff में, and कल देखते हैं कल क्या करेंगे हम लोग, Banff में plan है, let's see.